और हम भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाए। नहीं पड़ेगा ना, अभी दूध कैसे पिएंगे? देखो संदीप कितने मोटे हुए, दूध पी से भी गए थे एक बार। जाओ 42 आएंगे और बाइक बताना कैसी लग रही है। और ये जो चलिए बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह का 11:30, तो आप सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों ने जो है जो कल की जो राम बारात देखी और उस बारात में जो है काफ़ी ढेर सारा प्यार दिया, और 2 दिन निकलती है हमारे यहाँ बारात, तो 2 दिन की हमने राम बारात डाल दी है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, पर हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। पहली राम बारात में तो खूब ज़ोरों से बारिश हुई थी, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, तो हम भीग गए थे तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर भी हम दूसरी बारात बनाने के लिए गए, उस दिन हमें बुखार आ गया था, बहुत तेज़ बुखार और खांसी ज़ुकाम बहुत बहुत ज़ोरों से था। मगर दवाई लेकर मेडिसिन लेकर खाकर आप लोगों के लिए ब्लॉग डाला, और वैसे ही आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया है। तो अभी हम जो आए हैं थोड़ा संदीप के पास, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लैपटॉप भी ख़रीद लिया है, और आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 500 तो हो गए हैं। और वॉच टाइम अभी नहीं हुआ है पूरा, अगर वॉच टाइम मेरा पूरा होता है 3000 घंटे का तो हाफ चैनल मेरा मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो आप लोग जो भी मेरा ब्लॉग है उसको जाकर देखिएगा, जो नए सब्सक्राइबर है हमारे आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर है हमारे तो जो भी मेरा ब्लॉग है उस ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा जाकर, कि जिससे कि हमारा भी वॉच टाइम जल्दी से जल्दी पूरा हो पाए और हम भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएँ। और जी आप जो संदीप का घर देख रहे हैं ना, यहीं पर हमारा यूट्यूब स्टूडियो बनेगा। आप लोग मिलने के लिए जब आओगे ना तो यहीं पर हम लोग अपना स्टूडियो बनाएंगे। देखिए बिल्कुल खाली रहता है, जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है भैंस, मतलब अब भाई हैं तो भैंस और गाय तो पालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दूध कैसे पिएंगे? देखो संदीप कितने मोटे हुए दूध पी पी के। और जैसा कि आप लोग 2-3 वीडियो यहाँ के डाल चुके हैं, ये देखिए पीछे भैंस दिखाई भी दे रही है। और यही नहीं, एक मंजिल नहीं 2 मंजिल बना हुआ है, अभी ऊपर भी चल के आप लोगों को दिखाएंगे। और स्टूडियो आप लोग जब भी मिलने के लिए आओगे तो यहीं पर मिल सकते हैं, और सुकून की जगह है यहाँ पर, और बड़े कितने भी लोग आ जाएं आराम से बैठकर बातचीत कर सकते हैं यहाँ पर। और आने वाले टाइम में स्टूडियो हम अपना यहीं पर रखेंगे, अभी ये फ़िलहाल कच्चा है, और जब तक हमारे सब्सक्राइबर इतने होंगे तब तक ये फुल बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी 2 मंजिल। देखिए ये जीना है, इससे ऊपर जाने के लिए अभी फ़िलहाल ऊपर भी कोई नहीं रहता, बिल्कुल खाली रहता है ये। तो भैया ये लैपटॉप मेरा नहीं है, संदीप का है, संदीप ने मतलब किसी काम के लिए लिया है अपने, और वो अपने अभी काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, जैसा अभी आपको दिखाया था। ये देखिए, और ये इनका लैपटॉप है, और ये सेटअप है इनका, और ये देखिए गाना सुनने के बहुत ही शौकीन है, छोटा सा स्पीकर भी ले लिया है इन्होंने, और ये देखिए एक मोबाइल ही। आप लोग जानते हैं इस बाइक को, इसी बाइक से हम ब्लॉग बनाने के लिए दूर दूर जाते हैं। बाबा जी के पास इसी बाइक से भी गए थे एक बार, मतलब बाबा जी से नहीं मिल पाए थे पर फतेहपुर गए थे, कानपुर भी होया ये एक बाइक, कानपुर एक बार नहीं कई बार होके आई ये बाइक, और राइडर है अभी, और बहुत अच्छी चलती है अभी भी, और ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है, करीब 6000 बाइक चली हुई है अभी। और इसके बाद दूसरी गाड़ी संदीप की निकालने की इच्छा है, बुलेट है, और बुलेट है कौन सी है? जावा 42। हाँ जावा 42 है, जब कहीं लंबे जाएंगे तो वो अगर जब निकाल लेंगे ना तो उससे ब्लॉग बनाने के लिए जाएंगे, तब तक अपनी राइडर तो है ही। हाँ संदीप भाई क्या बता रहे थे बताओ? अरे बेचा बाची नहीं करेंगे ना बाइक, क्योंकि अब पता लगे कहीं इनके भाई को कहीं ले गए बाइक, भाई 2 लोग हैं, 2 भाई भी हैं, और हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी, अगर जावा नहीं है तो भाई राइडर से काम चला लेंगे, और अगर राइडर नहीं है तो जावा से काम चला लेंगे, भाई चलाने वाले 3 लोग हैं, और अगर बाइक एक ही होगी तो कैसे काम चलेगा? कभी पिताजी कहीं ले जाते हैं, कभी मामा कहीं ले जाते हैं इनके, और कहीं भाई ले जाते हैं, तो इसलिए वो सब ये बेचेंगे नहीं, मगर एक बाइक ज़रूर लेके आएंगे जावा, ये इनका ड्रीम भी है और इन्हें बाइक बहुत पसंद आई है, और जब वो बाइक लेने के लिए जाएंगे तो उसका एक ब्लॉग अलग से शूट करेंगे, कितने की बाइक है वो आप लोगों को बताएंगे, और बाइक बताना कैसी लग रही है। भैया हम लोगों को प्यास लगाई है, और देखिए संदीप के यहाँ बोरिंग वोरिंग की भी सारी व्यवस्था है, ये देखिए
तो संदीप अभी जो है बोतल को भरने के लिए गए हैं बोरिंग से। ये देखिए बोरिंग का पाइप गया हुआ है और यहाँ पे ये देखिए बोरिंग का सिस्टम है और ये देखिए हम प्लग लगा हुआ है और ये देखिए बोरिंग। देखिए संदीप जो है भैंसों को भी नहलाते इसी बोरिंग से, पिलाते भी हैं और कोई मतलब जो है पानी की समस्या नहीं है यहाँ पर, और जो भी सुविधाएं हैं वो भी सब हो जाएंगी। और भी मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है और ये जो देख रहे हैं ये मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि मिट्टी इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि आप भैंस है पालते हैं ना संदीप अभी आप, इसलिए। मगर जो आने वाले टाइम में ये जो है प्लास्टर व्लस्तर होकर डेंटिंग पेंटिंग होकर एकदम मस्त हो जाएगा। जल्दी लेके आया संदीप, बहुत तेज प्यास लग रही है यार। तो ये देख सकते हैं संदीप अभी जो है बोरिंग चला रहे हैं और पीने के लिए पानी भर चुकी है हमारी बोतल। और ये देखिए भैंसों को भी पानी पिला रहे हैं संदीप। सुविधा सारी उपलब्ध है यहाँ पर। एक गाय गौ माता भी पली हुई हैं, दो भैंस हैं और गौ माता की सेवा तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में हर व्यक्ति को एक गाय का दान भी ज़रूर करना चाहिए, ऐसा कथा भागवत में हमने सुना है। और ये देखिए यहाँ पे गौ माता की सेवा भी करना चाहिए और जैसा कि संदीप कर रहे हैं ये देखिए। तो चलिए अपने ब्लॉग को जो है यहीं पर करते हैं विराम, आप लोगों से लेते हैं विदा। अगर वीडियो अच्छी लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय। और अभी हमें दवा लेने भी जाना है डॉक्टर के पास, और अभी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, जैसे कि जुकाम भी है और खांसी भी है, बुखार तो अभी हल्का है। और इसके बाद जाते हैं दवाई लेने के लिए डॉक्टर जी के पास। तो चलिए बाय बाय।